श्रावस्ती जिले में मूसलाधार बारिश से तहसील जमुना के पास बैराज पर रावी नदी के गहरे उफान पर दिखाई दे रही है, जो काफी भयावह स्थिति को दर्शा रही है। पानी की लहरें जैसे सब कुछ अपने आगोश में लेने के लिए व्याकुल दिखाई पड़ रही हैं। नदी से सटे सैकड़ों गांव में पानी घुस जाने से ग्रामीण घरों में फंसे हैं। उनके पास जो कुछ राशन आदि सामान था वो सब कुछ नष्ट हो गया। किसी तरह अपनी और अपने परिवार की जान वो लोग बचा सके। वहीं जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर फंसे हुए ग्रामीणों को शेल्टर रूम में स्थापित करने के लिए रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने तहसील जमुना पहुंचकर कैंप किया, साथ ही एडीएम एसडीएम जमुना और पुलिस टीम के साथ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना किया गया और सभी बाढ़ चौकी प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों को लंच पैकेट भी मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। पिछले दो दिनों से काफी तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। राप्ती नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। कुछ गांवों में पानी भी आ गया है, तो हम अभी बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं और सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो गांव में जाएं और जो भी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। और हमारे जो शेल्टर होम्स है, जो हम लोगों को गाँव से निकाल कर लाएंगे, वो हमारे शेल्टर होम्स भी रेडी है। और यही कोशिश की जा रही है कि जिन गांव में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है वहां हम लोगों को कन्विंस कर पाएं कि वो गांव से निकलकर शेल्टर होम में आ जाए और वहां हम उनको सारी सुविधाएं दे दें। मेडिकल कैंप्स भी लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं और सारी आशा बहुओं को ये बताया गया है कि अगर कोई पेशेंट है जो क्रिटिकली इल है या कोई ऐसी प्रेग्नेंट महिला है जिसकी डिलीवरी आने अभी एक हफ्ते में होने वाली हो, तो उसकी सूचना भी हमें दे दें, उनको भी हम तुरंत जिला अस्पताल में एडमिट करा देंगे। और हमारी सारी तैयारियां हैं, जो हमारे कलेक्ट्रेट में बाढ़ का कंट्रोल रूम है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है, सभी बाढ़ चौकियां भी अलर्ट पर है और सारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और अपना निरीक्षण कर रहे हैं। विजयदशमी के दिन हुई भारी बरसात थमने वाली नहीं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ये सिलसिला अभी 8 अक्टूबर तक 500 मीटर 9 अक्टूबर से राहत मिलने के आसार है। इस दौरान मौसम विभाग ने प्रदेश को अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के मुताबिक प्रदेश में कहीं भारी तो कहीं अत्यधिक भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए श्रावस्ती से ब्रजेश गुप्ता की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।